महाराजगंज की है ललकार। अब की बार मनोज कुमार नगर पंचायत परिषद महाराजगंज से अध्यक्ष पद के अनुभवी उम्मीदवार मनोज कुमार गुप्ता को चुने, अच्छे को चुने, सच्चे को चुने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। नैतन विधानसभा क्षेत्र के शिवराजपुर पंचायत की 4 वार्ड जो नदी तट के किनारे है, जिसको शिवराजपुर छरकी के नाम से जाना जाता है। शिवराजपुर छरकी के क्षेत्र में 2500 घर यानी 2500 एवं 6000 लोग जीवन यापन करते हैं। वहीं लोगों ने बताया कि जब नेपाल सरकार द्वारा बिहार के अंदर पानी छोड़ा जाता है तो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला का शिवराजपुर पंचायत क्षेत्र शिवराजपुर छरकी सबसे ज़्यादा प्रभावित रहता है। इस क्षेत्र पर ना ही सांसद, ना ही विधायक, ना ही वर्तमान सरकार की कोई नज़र है। बाढ़ आने के बाद लगभग 50,000 एकड़ जमीन में लगा फसल पानी के बहाव से बर्बाद हो जाता है, जिसका वर्तमान सरकार मुआवजा तक नहीं देता। वहीं लोगों ने बताया कि 1954 में बना बांध 1980 के लगभग से टूट गया। उसके बाद अभी तक बिहार में कई पार्टियों की सरकार बना, लेकिन अभी तक इस क्षेत्र पर किसी भी प्रकार का नज़र नहीं डाला जाता है। यहाँ तक कि सरकार का पहुँचना बहुत ही कठिन है। वहाँ लोगों ने बताया कि इतनी आबादी वाला क्षेत्र में अभी तक सरकार के द्वारा एक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं बनाया गया है। बच्चों को स्कूल के पास तक जाने के लिए नदी के रास्ते जाना पड़ता है। सड़क का निर्माण भी नहीं किया गया है, जिससे क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ापन की तरफ है। लोगों ने बताया कि सरकार के द्वारा वितरण की जा रही राशन हम लोगों तक नहीं पहुँचता। इस गाँव को बाढ़ प्रभावित होने से बचाने का सरकार को भरसक प्रयास करना चाहिए। वहीं समाज सेवी डॉक्टर विपिन बिहारी पांडे ने बताया कि मैं डॉक्टर होने के नाते गरीब लोगों को अपने से जितना होना है हम करेंगे, लेकिन बिहार सरकार एवं क्षेत्र के वर्तमान सांसद विधायक को इस पिछड़ा क्षेत्र पर ज़्यादा ही ध्यान देना चाहिए। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।